नमस्ते, मैं डॉक्टर विनती जैन, ईएनटी सर्जन, फातिमा हॉस्पिटल, गोरखपुर। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है जनता को आम तौर पर होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराने के लिए। तो आज हम बात करेंगे ईएनटी रिलेटेड, यानी कि नाक कान गला संबंधित सबसे कॉमन बीमारी जो इस सीजन में होती है, जिसका नाम है ओटोमाइकोसिस, यानी कि कान में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, यानी फफूंदी वाला इन्फेक्शन। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे कॉमन जो मरीज आते हैं उनको होता है कान में दर्द। अब कान में दर्द के बहुत कारण होते हैं जो कि कान रिलेटेड भी होते हैं और नाक या गले से संबंधित भी होते हैं। तो दुकान पे जाके ड्रॉप लेने से या कहीं केमिकल की सफाई करवाने से ये समस्या और बढ़ सकती है और दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं कान में। तो कहीं भी दुकान से आप ऐसे बिना सलाह के दवा ना लें। तो दूसरा लक्षण जो इसमें होता है वो कान में खुजली, जलन, चुभन, ये सब हो सकता है। और इन्फेक्शन बढ़ने पे सुनाई में कमी आना, भारीपन होना या कान से मवाद आने की समस्या भी होती है। तो अब ये होता क्यों है? आप सब जानते होंगे इस मौसम में गर्मी के साथ उमस बहुत बढ़ जाती है, जिससे हर जगह फंगल इन्फेक्शन या फफूंदी बढ़ने लगता है, खाना भी बाहर रखने पर ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ कान में होती है, बहुत ज़्यादा नमी बढ़ने पर फंगल ओवरग्रोथ होने लगती है। जैसे कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिनको डायबिटीज़ है, उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी से ट्रीट भी नहीं होता है। फिर कुछ बच्चे जो कि गर्मी के मौसम में गंदे तालाब में नहा लेते हैं, बहुत देर तक बारिश में भीगते हैं, उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ज़रा सा भी कान में दर्द होने पर किसी भी रीज़न से आपने दुकान से कोई ड्रॉप ले ली तो कान की प्रोटेक्टिव परत ख़राब हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब इसमें क्या बचाव करना है? कान को पानी से बचाना है। अगर गंदा पानी, तालाब का या कोई नाले का पानी, गंदा पानी चला गया है तो उसको साफ पानी से हल्के हाथों से धुल लें और डॉक्टर को दिखा लें। दूसरा, बहुत देर तक बारिश में बच्चों को भीगने ना दें। यदि वो बहुत भीगते हैं तो इसके बाद कान में दर्द होता है तो कोई ड्रॉप डालने की जगह आप डॉक्टर को जाके दिखाएं। तीसरा, आजकल लोग ईयरफोन्स बहुत यूज़ करते हैं। बहुत देर तक कान बंद रहने पे, ईयरफोन्स लगाने पे, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं जो मशीन लगाते हैं कान की, उनको यदि इसके बाद कान में दर्द या खुजली होती है तो उसके बाद भी आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि यदि ये इन्फेक्शन हो रहा है तो पहले उसका ट्रीटमेंट हो। फिर अब इसमें इलाज कैसे होता है? तो इसकी सफाई तो ज़रूरी है, पर यदि आप दुकान पे जाके केमिकल वाली सफाई करवाएंगे तो उससे अंदर तक कान के पर्दे की परत और कान की स्किन जल जाती है, उससे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है। तो केमिकल की सफाई नहीं करवानी है, डॉक्टर को, ईएनटी डॉक्टर को आके दिखाना है। यदि यही फफूंदी वाला इन्फेक्शन है तो वो अपने तरीके से इसको क्लीन करेंगे, आपको कुछ ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट देंगे और अगर ज़रूरी हो तो खाने की दवाइयाँ भी देंगे। दूसरा, आप घर पे बैठ के इसकी सफाई बिल्कुल ना करें, कान में चोट लग जाती है। अक्सर देखा गया है कान में मैल जमा हो तो खुद लोग सफाई करने लगते हैं। गंदी चीज़ों से सफाई करने से इन्फेक्शन बढ़ता है और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। फिर अगर इसका रीज़न कुछ और है, जैसे कि छोटे बच्चे इस मौसम में बहुत आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो उनके कान के पर्दे के पीछे ज़ुकाम का पानी जमा होने लगता है। तो कान का दर्द का कारण ये भी है। इसमें यदि आप ड्रॉप डालेंगे या सफाई कर देंगे तो पर्दा और ख़राब हो जाएगा और बच्चे का आगे तक के पर्दे का नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी समस्या हो आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूरी पड़ने पे वो आपकी कान की सफाई खुद से कर देंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे और आगे बीमारी से बचने के लिए आपको सलाह भी देंगे। तो प्लीज़ ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं और ख़ुद से कान ख़राब ना करें। थैंक यू।